विद्युत इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। ये 630 एम्पियर का जो आउटगोइंग फीडर है मेरा, इनकमिंग वाला 1600 एम्पियर का, वो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसको रैक इन रैक आउट कैसे करता है आज हम देखेंगे। ठीक है, अभी रैक आउट चेक करके रखा हूँ, एकदम लास्ट पोजीशन में रखा हूँ। यहाँ एक तो लॉक हो जाता है, इससे ज़्यादा जाएगा तो गिर जाएगा। ठीक है, इससे और आगे आना तो एकदम निकल जाएगा, उसके लिए ट्रॉली का ज़रूरत पड़ेगा, ताकि ये हैवी वाइट होता है। ठीक है, ये वाइट बहुत ज़्यादा ही है और लिखा नहीं है इधर, जो भी है बहुत ज़्यादा वाइट है, हम लोग जानते हैं इसका कितना होगा। इसका दिया हुआ है 2 ग्राम सर्विस टेस्ट का आइसोलेट टेस्ट। ठीक है, अभी रैकआउट में हम इसको रैकिंग करेंगे, अभी अंदर करेंगे तो देखिए कैसे होता है। इसका एक तो हैंडल होता है, पहले हाथ से खेलते हैं अंदर जितना भी जाता है, उसके बाद ये लगाना है। हैंडल डालने के लिए स्टॉप वाला कम है, यहाँ पर इसका यहाँ पर नाट है, इसको पुश करने से वो वाला को दिखाई देगा, तो उसी में इसको फुटाना है ऐसे करके। ठीक है, अब इसको टाइट करना है, ऑटोमेटिकली फुट जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सर्विस आ जाएगा, तो टच हो जाएगा दोनों शरीर में, तो हो गया, ये पूरा सट गया है, देख सकते हैं जो रैकिंग हो गया, एकदम सर्विस में आ गया। ठीक है, अब इसको आउट करना है, तो इसको उल्टा घुमाना। ठीक है, उससे पहले लॉक को देख लेना, दोनों साइड में लॉक रहता है, ठीक है, यहाँ तक आ जाएगा, उसको दोबारा आप मत करते हैं, दोनों साइड में इधर भी लॉक है, देखा भी थोड़ा कहाँ का दोनों को नीचे करना ही होता, और इसको भी नीचे करना है, उसके बाद इसने कमाल तुम्हारा लॉक इससे ज़्यादा निकाल करके तो गिर जाए, गिर जाएगा और इसको नाम ये लॉकों के इससे ज़्यादा और नहीं निकलेगा। आप निकलना है तो फिर टोली चाहिए, जो चक्का है टोली में आ जाएगा, इसको लॉक करके टोली में दे सकते हैं, तो इसमें लॉक तो ये दे और दे जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके ऐसे जी को रखने का किया जाता है।